हेलो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम लोग एक इंस्टेंट कंपैरिजन करने वाले हैं दो फोन्स के बीच में। एक है आसुस का ROG फोन 3 और एक है एप्पल का आईफोन 11 प्रो मैक्स। दोनों ही रिसेंटली लॉन्च हुआ है और दोनों में ही अलग अलग एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है दोनों के बीच में अगर कंपेयर किया जाए तो आज उसी के बारे में ही डिस्कस करूँगा। आसुस जो कि एक ताइवान का कंपनी है और एप्पल जो कि यूएसए का कंपनी है, तो दोनों में डिफरेंशिएट करके देखते हैं कि कौन सा फ़ोन बेटर है। तो अगर स्टोरेज की बात करें तो इंडियन मार्केट के हिसाब से आपको 128 GB इंटरनल स्टोरेज मिल रहा है और 8 GB रैम मिल रहा है आपको आसूस ROG फोन 3 में। और अगर एप्पल आईफोन 11 प्रो मैक्स की अगर बात करें तो आपको तीन वेरिएंट मिलेंगे इंडियन मार्केट के हिसाब से। एक है 64 GB, एक है 256 GB, एक है 512 GB इंटरनल स्टोरेज का। और रैम की अगर बात करें तो तीनों में ही सिमिलर 4 GB रैम आपको मिलने वाला है। आसूस ROG फोन 3 की अगर बात करें तो गेमिंग ट्रिगर्स के हिसाब से उसको एक फेयर एडवांटेज मिलेगा कोई भी अभी तक का स्मार्टफोन की अगर बात कर ले तो, क्योंकि इसमें पहली बार आपको प्ले स्टेशन जैसे अपर की होता था उसी में ही आपको L1 L1 R1 की के तरह आपको यहाँ पर भी गेमिंग ट्रिगर्स मिलने वाला है फ़ोन में, जो कि अब तक कोई भी फ़ोन में अवेलेबल नहीं था, जो आपको पहली बार आसूस ROG फोन में मिलने वाला है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करें तो आसूस ROG फोन 3 में आपको एंड्रॉयड 10 का ऑपरेटिंग सिस्टम मिलने वाला है। और अगर एप्पल आईफोन 11 प्रो मैक्स की अगर बात करें तो आपको उसका इनबिल्ट iOS 13 मिलने वाला है, जो कि एप्पल का खुद का iOS है और इसको आप अपग्रेडेबल अप टू 13.6 तक कर सकते हैं। तो प्रोसेसर की अगर बात करें तो आपको आसूस ROG फोन 3 में आपको क्वालकॉम SM8250 स्नैपड्रैगन A65+ का प्रोसेसर मिल रहा था। और एप्पल की आईफोन 11 प्रो मैक्स की अगर बात करें तो आपको एप्पल A13 बायोनिक का प्रोसेसर मिलने वाला है, जो कि उसका खुद का मैन्युफैक्चरिंग है। अब आते हैं कैमरा के फीचर में। तो आपको दोनों में ही ट्रिपल कैमरा मिल रहा है पर उसके स्पेसिफिकेशन में डिफरेंस है। ROG फोन 3 की अगर बात करें तो उसका वाइड एंगल जो कैमरा है वो 64 MP का है, फिर अल्ट्रा वाइड उसका 13 MP का है और मैक्रो उसका 5 MP का है। और अगर एप्पल आईफोन 11 प्रो मैक्स की अगर बात करें तो उसका वाइड एंगल 12 MP का है और टेलीफोटो रेंज उसका 12 MP का है और अल्ट्रा वाइड उसका 12 MP का है। और सेल्फी कैमरा की अगर बात करें तो आपको यहाँ पर आसूस ROG फोन 3 में आपको 24 MP का सेल्फी कैमरा मिल रहा है, जबकि एप्पल आईफोन 11 प्रो मैक्स में आपको 12 MP का सेल्फी कैमरा मिल रहा है। वीडियो रेजोल्यूशन की अगर बात करें तो आपको आसूस ROG फोन 3 में आपको अप टू 8K रेजोल्यूशन तक वीडियोग्राफी अवेलेबल है, जिसमें 8K, 4K, 1080p और 720p वेरियंस अवेलेबल है। और अगर एप्पल आईफोन 11 प्रो मैक्स की अगर बात करें तो इसमें वीडियोग्राफी अप टू 4K रेजोल्यूशन तक अवेलेबल है, तो आपको 4K, 1080p और 720p वेरियंस ही मिलने वाले हैं। और सेल्फी कैमरा के वीडियोग्राफी की अगर बात करें तो इसमें आसूस ROG फोन 3 में आपको वीडियोग्राफी अप टू 1080p ही अवेलेबल है, पर एप्पल आईफोन 11 प्रो मैक्स में आपको अप टू 4K रेजोल्यूशन तक वीडियोग्राफी सेल्फी कैमरा में भी अवेलेबल मिलेगा। तो चार्जिंग फैसिलिटी की अगर बात करें तो आपको ROG फोन 3 में आपको फास्ट चार्जिंग 30 वाट का मिल रहा है, फिर क्विक चार्ज 4.0 का मिल रहा है और उसके साथ साथ रिवर्स चार्जिंग 10 वाट का भी मिल रहा है। और अगर आपको एप्पल आईफोन 11 प्रो मैक्स की अगर बात करें तो आपको इसमें फास्ट चार्जिंग 18 वाट का मिल रहा है, फिर USB पावर डिलीवरी 2.0 का मिल रहा है, फिर उसके साथ साथ आपको QI वायरलेस चार्जिंग का भी फीचर मिल रहा है। तो बैटरी की अगर बात करें तो आपको आसूस ROG फोन 3 में 6000 mAh बैटरी का आपको फैसिलिटी मिल रहा है, जबकि अगर एप्पल आईफोन 11 प्रो मैक्स की अगर बात करें तो आपको 3969 mAh बैटरी का फैसिलिटी मिल रहा है। अब आते हैं इसके कलर वेरिएंट्स में। तो आसूस ROG फोन 3 का अभी इंडियन मार्केट में एक ही कलर वेरिएंट अवेलेबल है, जो कि ब्लैक कलर का है।
और एप्पल आईफोन 11 प्रो मैक्स की अगर बात करें तो इसके चार कलर वेरिएंट इंडियन मार्केट में अवेलेबल है, जो कि स्पेस ग्रे, मिडनाइट ग्रीन, गोल्ड और सिल्वर वर्जन का है। तो अब आते हैं दोनों फ़ोन्स के प्राइस रेंज के बारे में। तो आपको आसूस ROG फ़ोन 3 आपको ₹49,999 में मिल रहा है आपको इंडियन मार्केट में, जो कि आपको मैंने पहले ही बताया था कि इसका स्टोरेज 128 GB इंटरनल स्टोरेज और 8 GB रैम का ही वेरिएंट इंडियन मार्केट में अवेलेबल है। तो उसका प्राइस है ₹49,999। और एप्पल आईफोन 11 प्रो मैक्स की अगर बात करें तो इसका तीन वेरिएंट था, मैंने पहले ही बताया था, 64 GB, 256 GB और 512 GB का। तो आपका वो 64 GB का वेरिएंट आपको 1,17,100 में मिल रहा है, आपको 256 GB का वेरिएंट 1,31,900 में मिल रहा है, और आपको 512 GB का वेरिएंट 1,50,800 में मिल रहा है। तो जितना भी स्टैट्स मैं आपको बताया ये सब अपडेटेड स्टैट्स है 7 अगस्त 2020 के हिसाब से। और अगर ये कंपैरिजन से आपको कुछ अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन जानने को मिला है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन हिट कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके।